सो हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ नीट एंड जे एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जेई का जो फॉर्म फिलअप था वो दिसंबर नवंबर से स्टार्ट हो गया था एंड जनवरी में जेई का फेज वन का एग्ज़ाम होके फर्स्ट वीक में रिजल्ट भी आ गया था। एंड अभी जो जेई का है अप्रैल में सेकेंड सेशन का एग्ज़ाम होगा जो 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा, उसके बाद मई एंड में या जून में जे एडवांस का एग्ज़ाम होगा। सिमिलरली जो नीट एस्पायरेंट्स हैं वो भी काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे अपने नीट के फॉर्म का, तो अभी कुछ दिन पहले नीट के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है एंड मार्च एंड तक नीट के फॉर्म फिलअप चलते रहेंगे। डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट मार्च एंड या मार्च जो भी डेट है उसमें नीट के भी फॉर्म फिलअप कंटिन्यू चल रहे हैं। सो अभी नीट वालों के लिए भी वो घड़ी का टक 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 का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है और सबको पता है कि 5 मई को नीट का एग्ज़ाम होगा पूरे इंडिया में, जिसमें 22 से 25 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। और इस साल नीट ने बहुत सारे चैप्टर्स जो नीट के सिलेबस है, जेई के सिलेबस है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में, काफ़ी सिलेबस में काफ़ी हेर बदल किया है। कुछ चैप्टर्स हटाए हैं, कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए हैं, बायो में भी जैसे 4-5 नए टॉपिक्स ऐड किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को भी ऐड काफ़ी ज़्यादा वेटेज देते हुए ऐड किया है। सो मैं जानता हूं कि आप सब बच्चे जी जान से मेहनत कर रहे हैं और ये जो मोमेंट है जिसमें आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है अभी आपको ये मोमेंट थोड़ा कष्टदायक लग रहा हो, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा कि आज से 10 साल बाद जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुके होंगे और उस टाइम पे आप इस मोमेंट, इस स्ट्रगल के पीरियड को याद करेंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक खुशी का एहसास होगा, क्योंकि ये पहला बार ऐसा था ये मोमेंट जिसमें आपने अपने सपने पूरे करने के लिए नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए, अपने रिलेटिव्स के सपने पूरे करने के लिए, सोसाइटी को एक गाइडेंस देने के लिए आपने मेहनत किया है। और आप बहुत सारे आपके सोसाइटी के, आपके गांव के, आपके कस्बे के बहुत सारे जो अपकमिंग जो बच्चे हैं जो नीट और जे एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए आप रोल मॉडल बनेंगे, क्योंकि मैं भी आईआईटी गुवाहाटी से अपना बीटेक कंप्लीट किया है तो मैं भी जानता हूं कि जब मैंने 2005 में अपना जेई का प्रिपरेशन किया था तो मेरे लिए जब कोर्स ख़त्म हो चुका था कोचिंगों का तो जो लास्ट के 2-3 महीने थे वो काफ़ी, क्योंकि कोचिंग में कोई ज़्यादा जाने का काम नहीं था, क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी, तो अब मेरे पास जो 24 आवर बचते थे लास्ट के 2-3 महीने में, जो हर दिन में 24 आवर होता है, तो उस 24 आवर में मैं कोशिश रहता था कि कम से कम 18 घंटा 17 घंटा मैं अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दे सकूँ। और मैं इस मेहनत से ना सिर्फ अपने सपने पूरे करूं बल्कि अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करूं, अपने रिलेटिव्स के सपने पूरे करूं, सोसाइटी में मैं कुछ काफ़ी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं। और आज मैं काफ़ी खुश हूं कि मैंने जो 2005 में जो जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे जो मेहनत किया था, जो स्ट्रगल किया था, उसका आज एक फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे मिला है। 2005 में जो मैंने मेहनत किया था उस वजह से मुझे IIT में सीट मिली और वहाँ से मैंने अपना बीटेक ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और आप मेरे से जितना भी हो पा रहा है मैं सोसाइटी को सर्व कर रहा हूँ। तो मैं उन सभी नीट और जे एस्पायरेंट्स बच्चों को बोलूँगा कि लास्ट के जो 2-3 मंथ है इसमें फोकस्ड हो जाइए, डेडिकेशन के साथ दिन और रात की बिना परवाह किए एक लगन से एक टक होकर मेहनत कीजिए। और आप सभी के लिए एक बेस्ट न्यूज़ तो है ही कि पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन का जो सबसे फेमस टेस्ट सीरीज है ANTS ऑल नॉर्थ ईस्ट टेस्ट सीरीज, उसका अभी पार्ट टेस्ट 7 जो था वो अभी 25 को ये पार्ट टेस्ट 7 कंप्लीट हो चुका है। तो अभी पार्ट टेस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब मार्च से जो मार्च का फर्स्ट संडे है उससे हमारे फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये फुल लेंथ टेस्ट जितने भी होंगे 8, 10, 15 जितने भी फुल लेंथ टेस्ट हमने असाइन कर रखे हैं ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रीशियस है। इन फुल लेंथ टेस्ट में आप एक काम हमेशा रखिए कि इन फुल लेंथ टेस्ट में आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उन मार्क्स को आप हर बार जितने मार्क्स आ रहे हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए और नीट में जाने से पहले आप अपने सारे जितने भी टेस्ट हुए थे उनके मार्क्स को एक एवरेज मार्क्स निकालिए। एंड मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूं कि नीट 2024 को जब 5 मई को आप एग्जाम में बैठोगे तो आपका इन फुल लेंथ टेस्ट में जो एवरेज मार्क्स रहा है और आपका नीट का जो फाइनल मार्क्स आया है उसमें 5 से 10 नंबर का ही डेविएशन आपको मिलेगा, या तो 10 नंबर आपका इस एवरेज से ज्यादा होगा या 10 नंबर कम होगा, क्योंकि हम अपना फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बहुत ही स्पेशलिटी के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग देके हम इसको डिजाइन करते हैं। और आपको ये जान के सरप्राइज होगा
कि जो फुल लेंथ टेस्ट है ये हम कोई 2-5 दिन में डिजाइन नहीं करते, इसकी जो प्रिपरेशन स्टेज होती है, इसकी जो प्लानिंग्स होती है, इसके क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन होता है और इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो 6 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है। ये 10 टेस्ट को डिजाइन करने के लिए हमारी टीम 6 मंथ पहले काम करना चालू करती है। एक एक क्वेश्चंस को प्लैंड वे से सेलेक्ट किया जाता है, हर एक क्वेश्चंस नीट का जो फुल लेंथ टेस्ट होगा, हम ट्राई करते हैं कि हर एक क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही रिलेटेड हो, एनसीईआरटी की बाउंड्री से बाहर ना हो। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल द नीट एस्पायरेंट्स, टू ऑल द जे एस्पायरेंट्स फॉर देयर अपकमिंग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। सो अटेंड कीजिए, अटेंटिव होकर टेस्ट दीजिए और इन टेस्ट को आप वैसे ही सीरियसली लीजिए जिस तरीके से आप नीट के एग्जाम को, जेई के एग्जाम को, अप्रैल में जो जेई का एग्जाम है, 5 मई को जो नीट का एग्जाम है, जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस माइंडसेट के साथ आप उस नीट के फाइनल एग्जाम में, जेई के फाइनल एग्जाम में बैठेंगे, उसी डिसिप्लिन, उसी माइंडसेट, उसी डेडिकेशन के साथ आप पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन का, एएनटीएस का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में बैठिए। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप 100% सक्सेसफुल होंगे और आगे जाके इस देश को एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर के रूप में सर्व करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स।